तो ये है यहाँ पे आई लव लद्दाख। तो पराठा भी जबरदस्त है, तो आज पंजाब की याद आ गई ये पराठा खा के। तो ये आप देख सकते हो, ये लेका मार्केट यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे, यहाँ पे ज्यादा एप्रिकॉट्स। तो अभी मैं नींद से जागा तो पहले मैं फ्रेश होता हूँ, तो और जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको गाड़ी में बिठाता हूँ, दूसरी गाड़ी में, यहाँ के लोकल गाड़ी में, तो वो घूमने के लिए जाएंगे। फ्रेश फ्रेश होकर फिर मार्केट जाऊँगा, आपको भी वहाँ लद्दाख का मार्केट दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या मिलता है और यहाँ पे क्या क्या ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ और उनको वहाँ पर गाड़ी में बिठाता हूँ। चलो अब मैं रिफ्रेश होता हूँ और चेंज कर लेता हूँ, तो उसके बाद अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। और तो टूरिस्ट को दूसरी गाड़ी देंगे क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड स्टेट गाड़ी अलाउ नहीं, यहाँ पे खाली लोकल गाड़ी अलाउड होती है घूमने के लिए। आपको मार्केट दिखाएंगे और जो भी आगे मिलेगा वो दिखाएंगे। चलो अब बढ़ते आगे, लेट्स गो। तो क्या है कि फ्रेंड्स अभी फ्रेश हो चुके हैं, अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम होटल के रेस्टोरेंट में बैठे, तो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उसके बाद हम मार्केट चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारे टूर से वो ऑलरेडी मार्केट चल रही है और उनका अभी परमिशन बन रही है नूबरा के लिए और पेंगोंग लेक के लिए। तो अब यहाँ पे हम अभी रेस्टोरेंट में, ये आप देख सकते हो यहाँ से, तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो उसके बाद अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे मार्केट की तरफ, और हमें वहाँ कुछ बार्गेनिंग करनी है तो वो भी आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। चलो आप बढ़ते आगे, और तब तक आप सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक भी करना और वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना आपको क्या देखना है। सो लेट्स गो। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो आज हम ब्रेकफास्ट में चाय के साथ पराठा खाने वाले। सुबह सुबह पराठा होना चाहिए, इसमें मज़ा बहुत ही अच्छा रहता है। तो पराठा भी ज़बरदस्त है, तो आज पंजाब की याद आ गई ये पराठा खा के, क्योंकि पंजाब में अक्सर हम पराठा खाते थे, आलू के पराठे और प्याज व्याज होते, तो आज बराबर वैसे ही फील हो रहा है। और भाई ने भी अच्छा बनाया, अब देख भी सको, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा है इसमें। चलो पहले खा पी लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम होटल से बाहर आ चुके हैं, तो अब हम जाएंगे मेन मार्केट, लद्दाख के मेन मार्केट में, मतलब लेह लद्दाख के मेन मार्केट में। और आप एक बात देखो, एक बात पे आप गौर कीजिए, मतलब जो पीछे देखे बादल कैसे, ओहो हो, मतलब लोकल गलियों में भी देखो सीन कैसे, व्यू कैसे रहता है यहाँ पर, बढ़िया सा व्यू रहता है। तो पीछे से देख सकते हो बादल कैसे ज़बरदस्त हिसाब से और ज़बरदस्त अंदाज में। और यहाँ तो यहाँ पर सुनने को आया कि लगभग 5-10 दिन पहले यहाँ गर्मी बहुत रही थी, तकरीबन 37 डिग्री। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहनी चाहिए, बट जितना मतलब ऐसे मौसम अगर आएगा तो फिर ये ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी तो फिर बाढ़ आने का खतरा रहता है। लेकिन अभी मौसम ठीक है, ठंडा है, और यहाँ का व्यू हमेशा ज़बरदस्त देखो, ज़बरदस्त रहता है। तो अब चलते हैं मेन मार्केट तक और कुछ बार्गेनिंग कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ का सिस्टम क्या रहता है, इस ऐसे, तो यहाँ का सिस्टम ऐसे ही रहता है, आप देख भी सकते हो वहाँ पहाड़ और पुराने जैसे मकान, जैसे ये मकान भी पहाड़ जैसे लगते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये मकान वाला, ये देखिए अजीब सा लगता है ना, लेकिन ज़बरदस्त है, छोटी छोटी खिड़कियाँ। ओ ऐसे तो हमारे पुराने ज़माने में रहते थे, लेकिन इसे देख के पुराना ज़माना भी याद आता है। वैसे मैं पुराने ज़माने का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। और बाकी देख सकते हो आप लद्दाख का ये सीन, ओह 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 माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ के बादल बिल्कुल जैसे करीब लगते हैं। ये यहाँ टॉप है मंदिर, शायद इन्हीं का बुद्धिस्ट का मंदिर कुछ टेम्पल। ये देखो यहाँ का ये मार्ग, मतलब यहाँ के मकान कैसे तो पुराने टाइप जैसे लगते हैं। ये देखिए यहाँ के टेम्पल का स्टेप, ये इनको घुमाना पड़ता है, ये देखिए, ओहो इसको ये घुमाते, ये यहाँ का टेम्पल ना। चलो जैसे अभी ये जाएगी और ये भी घुमाएंगे, चलो देखते। तो अभी आप मार्केट की तरफ आने वाले हैं, लेकिन यहाँ का एक सिर है, यहाँ पे अभी भी मास्क लगाना पड़ता है, तो वरना मास्क के बिना यहाँ पर फाइन लग जाता है। तो ये यहाँ का सिस्टम है। तो अभी हम थोड़े मार्केट की तरफ जा रहे हैं, हल्के से शॉप देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर चलो आप बढ़ते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं क्या आज हम बार्गेनिंग कर लेते हैं, क्या क्या लेते हैं यहाँ पर, लेट्स गो। तो ये आप देख सकते हो ये लेका मार्केट यहाँ पर, तो लेका मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त हिसाब में रहता है, यहाँ पे अलग हिसाब है यहाँ। तो यहाँ के लोग जो जज थोड़ा छोटे छोटे रहते हैं, तो ये देख सकते हैं लेका मार्केट यहाँ पे,
तो अभी हम इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ आएंगे। पहले यहाँ से देखते हैं यहाँ से हम क्या खरीद लेंगे, और जो अभी मेन चीज़ हमें चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा है। तो चलो वो आगे ही मिलता होगा, तो वो आगे मिलता है तो अभी हम आगे देखते हैं। पहले देखेंगे वो प्योर होगा, ओरिजिनल होगा, क्योंकि वो कश्मीर से आता है तो इसलिए देखना तो पड़ेगा। अब हम जाएंगे इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ का मार्केट थोड़ा हटके है, मतलब जैसे हमारे कश्मीर वहाँ से थोड़ा हटके। तो अब देखते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी जब मेन जो ढूंढ रहे पहले वही ढूंढेंगे, उसके बाद हम अपने लिए कुछ देखते हैं। पहले यहाँ से देखते हैं, चलो लेट्स गो। तो ये है यहाँ पे पश्मीना ऑफ लद्दाख, टैटर्स का आर्ट्स। चलो वहाँ पे भी जा रहा है हमें, तो पहले हम यहाँ से देखते हैं फिर वहाँ पे जाते हैं पश्मीना ऑफ लद्दाख में। ये देखिए यहाँ के मार्केट के बीच बीच टेंट लगे हुए हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा है क्यों लगे हुए। तो जानने की कोशिश करेंगे क्यों है ये। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं पश्मीना है यहाँ का। तो अभी अब वहाँ से वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो शॉप अब ढूंढ रहे हैं वो इस साइड है, और यहाँ से फिर वहाँ से आगे मेन पे पहुँचती है राइट साइड है। चलो अब हम जाते हैं वहीं पे। तो शॉप का नाम है द डोलमा शो, तो सॉरी द डोलमा शॉप है इसका नाम। तो वहीं पे जाना है, तो वो यहाँ से है और फिर राइट साइड से है। तो अब हम वहाँ की तरफ बढ़ते हैं, और ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे, यहाँ पे ज़्यादा एप्रिकॉट यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे। तो इनको भी बाद में हम खरीद लेंगे। तो ये वो सूखे हुए नहीं, ये ताज़े एप्रिकॉट्स। तो कोई नहीं, बात देखें। तो आपको पता ही है तो लद्दाख के एप्रिकॉट सबसे मशहूर है, और इनमें तो यहाँ पे जगह जगह ज़्यादा आपको एप्रिकॉट्स दिखने को मिलेंगे। तो ये हमारे यहाँ एप्रिकॉट्स, बाद में वापस आएंगे ना। तो यहाँ के एप्रिकॉट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बोल रहे थे यहाँ पे आप खरीद लो, मैंने बोला बाद में आके खरीदेंगे। चलो कोई नहीं, इसी से खरीद लेंगे। यहाँ का सबसे बड़ा मुझे एक ही चीज़ लगा, सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि जो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, चाहे पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस, बहुत ही अच्छे से बात कर लेते, स्मूथली मतलब रेस्पेक्ट से बात कर लेते। तो जैसे मैंने मतलब अभी एक मैम से पूछा ट्रैफिक पुलिस की, मैंने पूछा यहाँ पर जाना है, ऐसे गाइड किया मतलब जैसे मतलब वो मेरी गाइड थी। बहुत ही अच्छा फील हुआ, जैसे हमारे कश्मीर में पता है वो तो उनको तो बोल भी नहीं पाते, अगर हम उनको बोलेंगे तो वो बोलने की भी चालान कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे उसने दिखाया भी, थोड़ा मेरे साथ चल के भी और दिखाया, बस बहुत ही खुश हुआ मैं, मतलब रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्ट वाले, ज़बरदस्त मतलब खुशी हुई मुझे। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ की तरफ, तो उसे बताया कि दूसरी तरफ, उसे बोला यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब हम पहले यहीं पे जाते हैं, तो उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम बैठे हैं सीबक में सालन में, तो अभी थोड़ा बियर्ड बनाएंगे सीबक में, तो अभी मास्क भी उतार देंगे। तो अभी हम थोड़ा बियर्ड करेंगे सीबक में, तो यहीं पर लद्दाख में, तो यहाँ से पहले हम ये करेंगे, उसके बाद हम जो भी हमें बार्गेनिंग करने के लिए तो वो कर लेंगे। ये सीबक, तो यहाँ पे दोनों लेडीज एंड जेंट्स दोनों होते हैं। चलो ये इनका रिसेप्शन यहाँ पे, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो ये तो अभी हमने थोड़ा बियर्डेड बना ली, तो अब चलते मार्केट की तरफ। तो मार्केट यहाँ से आता है, तो वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ से हमें एक दो चीज़ खरीदी है, तो आप वहीं पे जाते हैं हम। चलो तो यहाँ का रोड दिखाते हैं आप, यहाँ के रोड में ज़्यादा टाइल रहता है। ये देखो चलने के लिए कितना रोड है यहाँ पे, मतलब फुटपाथ, मज़ा आया देखते। तो चलो चलते, तो ये देखते, ये रहता है यहाँ का फुटपाथ, बिल्कुल पूरा टाइल रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका ये लद्दाख टैक्सी ऑपरेटर, अगर टैक्सी वैक्सी करनी होती तो वो इस साइड आता है, वो वाला जो बोर्ड लगाया अलग पर। तो अब हम मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ से हमें एक्चुअली हमें खरीदना है फेरन, कश्मीरी फेरन जो होता है, मखमलो फेरक्ष बना। तो ये देख सकते हो अब यहाँ के, तो यहाँ के ये देख सकते हो झुमके, लद्दाख के झुमके, बाले। चल तो ये है यहाँ पे आई लव लद्दाख। तो अब यहाँ पे थोड़ा फोटो उठाए थे, अब देखते आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ का और एक सीन हमें दिखने को मिला जो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर पॉलीथीन फ्री, मतलब देखो जैसे मैंने अभी कपड़े लाए हैं, और वो देखो वो किस में दिए, अखबार में वो दिए, पेपर में दिए, क्योंकि यहाँ पे पॉलीथीन फ्री, यहाँ पे पॉलीथीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, या बैग होता है या अखबार में देते हैं, पॉलीथीन बिल्कुल नहीं है यहाँ बिल्कुल। तो अभी आज़ान का टाइम हो रहा है, तो आप बाद में मिलते हैं, पहले आज़ान होने दो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ फिर क्या क्या मिलता है,
तो जिसको भी लाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। यहाँ पे बहुत सिस्टम होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ का मार्केट। तो मार्केट का नाम तिब्बतन मार्केट है, तिब्बतन मार्केट। तो यहाँ पे हर एक सिस्टम मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट के बाद मैं डायरेक्ट रूम में आ चुका हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। कम से कम यहाँ पे ट्रिपल जो चीज़ 500 में मिलता होगा वहाँ पे श्रीनगर में, वो यहाँ पे 1500 में मिलता है, क्योंकि रसोई जो 1500 का है वो यहाँ पर 6000 में देते हैं। तो यहाँ पे आज बहुत महंगा है, तो क्योंकि यहाँ पे आज टूरिस्ट सीजन लग चुका है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इसलिए ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की, थोड़ा थोड़ा कुछ लाया। और अब हम आए डायरेक्ट रूम में, तो अब हम लंच करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं मेन और एक जगह। हमें और एक जगह आपको दिखाना है, लेकिन वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब करते हैं इस छोटे से व्लॉग का एकदम यहीं पे, क्योंकि आज हमने मार्केट का एक सीन दिखाया, कल दूसरा मार्केट सीन दिखाएंगे, वहाँ पे हम कुछ दिखाएंगे। आज तो मार्केटिंग का यही दिखाया था, कोई कल दिखाएंगे कुछ और यहाँ के जो देखने की जगह है, तो वो कल दिखाएंगे। तो अब हम इस वीडियो का एकदम यहीं पर करते हैं। अगर वीडियो में कोई भी शॉर्ट पसंद आया होगा, तो वीडियो को फिर लाइक भी करना और शेयर भी करना, और कमेंट में बताना है कि आपको क्या पसंद आया और आपको क्या देखना है। तो और अब हम कल वो एप्रिकॉट वेप्रिकॉट खरीदेंगे, तो उनका थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे, और भी कुछ है तो वो हम आपको दिखाएंगे, और भी कुछ है। यहाँ पे कुछ व्यूज़ है जो मैंने कल आते समय देखा भी था, तो वो व्यूज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो वो सारे मूवमेंट्स आपको शेयर करने वाला, और भी कुछ टेम्पल वेम्पल का दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो में भी थोड़ा दिखाया, तो आपको मज़े ज़रूर करना। तो आप करते इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आएगा, तो आपको पता है, तो फिर वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो पहले से तो अब आज सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट भी करना ज़रूर। चलो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आई लव यू ऑल।